हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द म्यूजिकल हाउस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पेट से गायकी कैसे करें। तो दोस्तों आपने या हमने बहुत जगह सुना कि पेट से गाओ। तो कोई भी बड़ा सिंगर होता है या बड़ा कोई सिखाने वाला गुरु होते हैं तो बोलते हैं पेट से रियाज करो, पेट से गाओ। तो दोस्तों इसका वास्तविक मतलब क्या है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और पेट से गाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो दोस्तों टोटल आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पेट से गाने से क्या मतलब और कैसे गाया जाता है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ टॉपिक बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपना पेट से गाने का इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है मोनू, मैं ऐसे ही म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां लेके आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है म्यूजिक प्रोडक्शन का। आप अपना गाना खुद ट्रैक बना सकते हैं, अपने गाने का ट्रैक खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है पेट से गाने का वास्तविक मतलब। तो दोस्तों आपने बहुत से ऐसे सिंगर को देखे होंगे जो गाते होंगे उनके गले में दर्द होता होगा या फिर चिल्ला के गाते होंगे या फिर सांस टूट जाती होगी उनकी गाते गाते। और बहुत से सिंगर ऐसे देखे होंगे जो कोई भी गाना हो, कितना भी टफ गाने हो, कितने भी हाई स्केल के गाने हो, वो अपने स्केल में ढाल के अच्छे से कंफर्टेबली उस गाने को बहुत प्यार से बहुत आराम से गा लेते हैं। तो दोस्तों ये दो सिंगर में आप पता क्या अंतर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो होता है कि एक सिंगर जो अच्छा गा रहा है वो अपने चेस्ट और पेट का अच्छे से यूज कर रहा है और एक सिंगर जो है वो अपने चेस्ट पेट का यूज नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों दोनों चीज़ सबके पास है, दोनों आदमी के पास चेस्ट और पेट दोनों आदमी के पास है, बट टेक्निक की बात है। एक आदमी अपना टेक्निक लगा के बहुत अच्छे से गा रहा है, एक आदमी टेक्निक लगा के उसी में फंसा पड़ा है। तो दोस्तों आपको भी ये टेक्निक समझनी है क्या होता है टेक्निक और कैसे अपना सांस बढ़ा के पेट से हम अच्छे से गा सकते हैं, अच्छे से गायकी कर सकते हैं, कोई भी गाना अच्छे से बिना किसी दर्द के बिना किसी पेनफुल अपना गले को जोड़ दिए अच्छे से गा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या, आपको करना ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है कि पूरे आपके सांस का नियंत्रण रखता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आप जहाँ पे आपका सांस स्टोर होता है चेस्ट में उसका साइज थोड़ा अंदर से बढ़ जाता है, मतलब चेस्ट नहीं बढ़ता है, अंदर से साइज बढ़ सकता है जहाँ हवा स्टोर होता है, पेट में थोड़ी स्पेस बढ़ जाती है जहाँ पे हवा स्टोर होता है। तो दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ये सब प्रॉब्लम सही हो जाती है और आप अच्छे से गाने लगते हैं। तो दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं और कैसे किसी गायकी में कैसे इन्वॉल्व करते हैं उसको जान लेते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए आप खूब गहरी सांस लीजिए, जितना देर रोक सकते हैं आराम से रोक करिए, फिर धीरे 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 उसको रिलीज करिए, छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, फिर रोके रहिए, फिर छोड़ दीजिए, चेस्ट और पेट में हवा भर लीजिए, फिर रोके रहिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। तो इसका पूरा ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पे देख लीजिए कैसे कैसे करते हैं और वैसे सही तरीके से उसको फॉलो करिए, ठीक। उसमें भी कुछ टेक्निक होते हैं जैसे जैसे वो लोग अच्छे सिखाने वाले बता रहे हैं तो सीखिए और फॉलो करिए। और उससे कई लोगों को लग रहा होगा भाई उससे गायकी में क्या अंतर पड़ेगी, भाई गायकी में अंतर पड़ती है जब आपके अंदर हवा अच्छा खासा स्टोर रहेगा, रुकने की क्षमता ज़्यादा देर तक रहेगी, तो आप कोई भी सुर लगाएंगे, कोई भी गाना गाएंगे तो आप अच्छे से लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने लगा रहा हूँ सा, तो देखिए मैं अपने गले से लगा रहा हूँ ऐसे सा, कुछ नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा। अभी हमें अपना अच्छे सांस ले ले सा, देखिए खुला खुला अपन एक अच्छा भराव एक कंफर्टेबल चीज आ रही है, वो कैसे हो रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही हो रहा है। दोस्तों आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे बहुत फोकस करना, जितनी आप फोकस करते हैं गायकी के ऊपर, जितनी फोकस करते हैं आप सीखने के ऊपर, उतनी फोकस करिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि आपका ये अंदर का एक तरह से कह सकते हैं हथियार है, इसको आप मजबूत करिए तब आपकी गायकी बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उसके बाद आप कोई भी गाना गाइए उसको पेट को सांस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए गाइएगा, आपकी गायकी डेफिनेटली अच्छी होगी और आप अच्छा गा सकते। तो दोस्तों ये वीडियो एक छोटे से मैसेज के लिए था, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और कुछ और पूछना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स के जरिए पूछना ना भूलेगा और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी बताइएगा। तो दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, इसको करना भी ना भूलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।